नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत पे। मेरा नाम विशाल, अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनीबाग के इलाके में, जहां हमारे तरफ आपको बहुत सारे बुलडोज़र नज़र आ रहे होंगे। देखिए, इन दिनों बुलडोज़र का चलन बहुत बढ़ गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी बुलडोज़र का चलन देखने को मिल रहा है। ये गर्दनीबाग का इलाका, यहाँ पर बहुत साले से लोग यहाँ पर रह रहे थे। आज देखिए, ये लोगों का जो घर है वो टूट रहा है किस तरीके से बुलडोज़र। मुझे लग रहा है कि दर्जनों की संख्या में बुलडोज़र यहाँ पर आए हुए हैं। किस कारण घर टूट रहा है ये तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद पता चलेगा, लेकिन तत्काल हम अभी लोगों से बात करते हैं कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे और क्यों घर टूट रहा है, क्या इसको लेकर के पहले से प्रशासन ने इनको चस्पा किया था नोटिस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। यही रहते थे? जी यही रहते थे। कहाँ पे घर था आपका? बगल ही में घर था, यहीं पे टूट गया था। कितने सालों से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग बचपन से रह रहे थे। बचपन से ही? क्यों घर तोड़ा जा रहा है? क्या कुछ नोटिस पहले दिया गया था? मतलब 2-3 साल पहले नोटिस दिया गया था। 2-3 साल पहले? हाँ, सरकारी क्वार्टर, सरकार का जमीन है, सरकारी क्वार्टर था पहले। और सरकारी क्वार्टर था जी। तो अब सरकार को जरूरत था तो वो अपना दूर रहे, बाकी हम लोग बचपन से ही रहे हैं। ये सब चीज है कि अब हम लोग को इधर नहीं नोटिस दिया गया था, लेकिन पहले नोटिस दिया गया 2-3 साल पहले। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ। आपका भी घर टूटा है? जी हाँ, हमारा तो पहले ही टूट गया है, साल भर पहले ही। साल भर पहले ही टूटा है? ये दोबारा टूट रहा है ना? ये दोबारा टूट रहा है जी हाँ। फिर से आप लोग यहाँ पर बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो सरकार यहाँ बाउंड्री मारने वाली है। क्या सरकार बताई होगी ना कि किस कारण टूट रहा है, क्या बनेगा यहाँ पर, फिर आपको तोड़ करके कहाँ भेजा जाएगा स्थापित करने के लिए कुछ? नहीं नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं दिया जा रहा है ना यहाँ से। सरकार केवल यहाँ सुनने में आता है कि गांधी टावर बनाया जा रहा है कि क्या? क्या गांधी टावर? गांधी टावर, अच्छा, उसी के यहाँ पे फ्लैट नहीं, 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 कुछ नहीं दिया और हम लोग को तोड़ कर हटा दिया गया। हम लोग तो अभी चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल आलम। यही रहते हैं? नहीं, इस इलाके में रहते हैं। कितने सालों से यहाँ पर घर था, आज टूट रहा है? ये तो बहुत पहले पुराना घर था, सब बहुत पुराना घर था, सब सरकारी। लोग कह रहे हैं कि बचपन यहीं पे गुजार दिए। देखिए, और हम आपको आगे लेकर के चलते हैं किस तरीके से घर टूट रहा है। ये मंजर आपको देख करके कैसा लग रहा है ये भी आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। इनका कहना है कि हम बचपन से यहाँ पर रह रहे थे, आज हमारा घर टूट रहा है। सरकार ने 2-3 साल पहले इनको नोटिस दिया था, फिर ये लोग रह रहे थे। लेकिन सबसे पहले जो सवाल है कि हटाने से पहले कहीं इनको बसाया जाए, क्योंकि कानून भी यही कहता है कि अगर आप हटा रहे हैं तो पहले इनको कहीं पे बसा लिया जाए, जगह दिया जाए, उसके बाद इसको तोड़ा जाए, हटाया जाए। आपने देखा होगा किस तरीके से राजीव नगर में भी घर तोड़ा गया, और देखिए पटना जो बिहार की राजधानी है, गर्दनीबाग का इलाका है, वहाँ पर जो पक्के जो मकान है उनको देखिए हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम आपको वो नज़ारा, वो जो मंजर है वो भी दिखा रहे हैं किस तरीके का। देखिए, एकदम पक्का का मकान है, वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बिहार पुलिस का जो है बल भी मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? यही रहती हैं जी। आपका भी घर टूटा है? हाँ। कहाँ पे घर था? यहीं पर। यहीं पे? हाँ। क्यों तोड़ा गया बताया नहीं गया? पहले तो सूचना मिला हुआ था साल भर पहले। हाँ। तो गरीब आदमी कमाता खाता थे, तब फिर बाद में कंप्लेन करके गए तो फिर नहीं आए, तो रहने लगे हम। हाँ। और फिर एक बैग तोड़ा गया है, सब तो इसी में सर सामान रह गया। कितने साल से रहते थे यहाँ पे? यहाँ तो लगता है 25-30 साल हो गया। 25-30 साल से रहते थे? कहीं आप लोगों को जगह जमीन दिया गया है बसाने के लिए? कहीं नहीं दिया है। कहीं नहीं दिया है। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं दिया है, पहले रहने का व्यवस्था दिया जाता तब ना तोड़ता। हाँ। पहले कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट तोड़ दिया। क्या तो भवन निर्माण का कि कोई विभाग का सिस्टम है? अरे हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत कुछ समझे। हाँ, क्या बता रहे थे? घर गिर गए तो ये किसका पड़ता नहीं पड़ता हम लोग तो जानते नहीं है। बस इतना है कि हम लोग का घर आज से नहीं रह रहा, बहुत पुराना रह रहा है। अचानक टूट देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कुछ व्यवस्था दिया जाता, थोड़ा सा कहीं पर जगह दिया जाता कि कुछ आदमी को शिफ्ट करके अपना टूटता। एक तो ठंड में टूट दिया, ठंड का टाइम है, रोड पे कहाँ जाएगा? बच्चा है घर का, लेडीज है, वो सब ठंड में कहाँ जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है, रोड पे कहाँ जाएगा, ठंड का मौसम है, कहाँ कैसे लोग रहेंगे, ये पहले सोचने वाली बात। उसके बाद देखिए हम भी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे चाची बैठी हुई है, कहाँ जाएगा?
तीन दिन से हम लोग रोड पर सो रहे हैं बाल बच्चा लेकर। सब सामान हम लोग का करकट फरकट जितना था सब धस गया। कोई समय नहीं मिला हम लोग का। हम लोग कोई नहीं, 10 मिनट मिलता तब वो तब रोड पर छोटा छोटा बच्चा लोग लेकर रह रहे हैं हम लोग। क्या करे सर, सरकार से आप लोग गुहार नहीं लगाए या पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन क्या करेगा, वो लोग तो आप गाली दे रहा है। पुलिस प्रशासन गाली दे रहा है, तब गाली दे रहा है कि मादर चोद। ये बताइए कितने सालों से यहाँ पे रह रहे थे? हम लोग 90 साल से ही यहाँ है। 90 साल से रह रहे थे? हम लोग का दादा दादी परदादा सबको ही एक था, हम लोग का जन्म ही एक है। हम लोग आज से नहीं है। तो कागज पत्र कुछ होगा, इस जमीन सरकारी जमीन है? कागज था हम लोग का, हम लोग कोर्ट से केस जीते हुए थे इस जमीन का। ये तो सरकारी जमीन है ना? हाँ, तो केस हो गया था, हम लोग आज से नहीं थे, तो हम लोग केस जीते हुए थे। कागज पत्र भी जे देते नहीं हो गया, क्या दिखाए आपको। अच्छा, तब टोटल कितना घर है, पूरा इलाका मिला कर कितना घर होगा? बहुत घर है बउआ, गिनने में तो यही पर ही तो 10-20 गो घर था, कम नहीं है सर। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? गीता देवी। यही रहती हैं? हाँ। यहीं पे घर आपका टूटा है? पूरा क्या कीजिएगा, घर टूट गया था, सब टूट गया, सुते यहीं पर, कौन सी घर कहाँ जाए, घर यहीं पे सुतेगा, घर द्वार है, कहाँ कैसे खाना पीना बनाइएगा, ऐसे बना दे खाते हैं, कौन सी घर भूखे पड़े हुए हैं, सुतल रहते हैं यहीं पर रात बिरात, कौन सी घर कहाँ जाए, घर द्वार है, जाए। कितना बाल बच्चा है? कुछ ना सो तो दबा गया, बाल बच्चा भी दबा गया ना? बाल बच्चा नहीं दबाया। कितना बाल बच्चा है, बेटा बेटी होगा ना? हाँ। कैसे रह रहा है? 5-6 गो बच्चा है। कैसे रहेगा यहाँ, खाना पीना कहाँ पे खाएगा, कैसे बनाएगा? बनाते हैं, खाते हैं, सुते हैं, रोड पर रहते हैं। क्या कह रही है? खाना पीना 3 दिन से हम लोग तो भूखे प्यासे पड़े हुए, मुंह में फेफड़ी पड़ा हुआ है, चौका बर्तन करते थे, से काम पर नहीं जा रहे हैं, सबके चलते क्या देगा, पैसा भी तो काट लेगा। देखिए हम आपको नजारा दिखा रहे, देखो पक्का मकान है, एक लाइन से घर बना हुआ है। इनका कहना है कि हम यहाँ पे सालों से रह रहे थे, लगभग 50 सालों से यहाँ पे, अचानक सरकार आकर के उसका जो प्रशासन है बुलडोजर लेकर के आती है और घर को तोड़ देती है। ना तो कहीं रहने का कोई ठिकाना दिया गया है, ना बताया गया है, और अचानक से तोड़ रही। तो तमाम सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर आप तोड़ते हैं तो उसके पहले आपको बसाना जरूरी है, तब जाकर के आप घर तोड़ सकते हैं। स्थापित पहले कर दीजिए, उसके बाद आप विस्थापित करने का बात कीजिएगा। ऐसे में देखिए तमाम सवाल हैं, हम आपको बारी बारी से तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ नज़ारे निकल कर सामने आ रहे हैं वो आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ देखिए आप बुलडोज़र ही बुलडोज़र नज़र आ रहा हो आपको, वो बुलडोज़र देखिए, और पूरा जो घर है वो तबाह हो चुका है, पूरा तितर बितर पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है। हर कोई अपने अपने जो ईटा है वो लेकर के जा रहा है कि अगर कहीं वो रहते हैं तो उनको बनाएंगे और वहां पर रहने का जो जरिया है वो शुरू किया जाएगा, बनाया जाएगा, अपना जो जीवन यापन है फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इनके पास ज़मीन रहने के लिए नहीं है। और यहीं पर वो फिर से खाना पीना खुले आसमान में, ठंड के मौसम में शीतलहर चल रहा है, 8 डिग्री टेम्परेचर है पटना का, ऐसे में इन गरीबों के पास कोई सहारा नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।